जय माता जी। दोस्तों दोस्तों आप आप देख देख रहे रहे हैं हैं धर्म धर्म भक्ति भक्ति चैनल। चैनल। दोस्तों दोस्तों आज आज के के इस इस विशेषांक विशेषांक में में हम हम जानेंगे जानेंगे तर्पण तर्पण करते करते समय समय कौन कौन सा सा मंत्र मंत्र बोलना बोलना चाहिए, चाहिए, तर्पण तर्पण करते करते समय समय क्या क्या सावधानियां सावधानियां बरतना बरतना चाहिए चाहिए तथा तथा पितरों पितरों को को जल जल अंगूठे अंगूठे से से ही ही क्यों क्यों दिया दिया जाता जाता है। है। दोस्तों दोस्तों जैसा जैसा कि कि आपको आपको पता पता है, है, श्राद्ध श्राद्ध के के दिन दिन में में दान दान और और पुण्य पुण्य करने करने से से और और ब्राह्मणों ब्राह्मणों को को भोजन भोजन कराने कराने से से पितरों पितरों को को मोक्ष मोक्ष की की प्राप्ति प्राप्ति होती होती है है तथा तथा हमें हमें सांसारिक सांसारिक सुख सुख की की प्राप्ति प्राप्ति होती होती है। है। ऐसा ऐसा करने करने से से दोस्तों दोस्तों जो जो हमारे हमारे पूर्वज पूर्वज रहते रहते हैं हैं खुश खुश होते होते हैं, हैं, जो जो हमको हमको सुख सुख समृद्धि समृद्धि उपहार उपहार स्वरूप स्वरूप देते देते हैं। हैं। दोस्तों दोस्तों श्राद्ध श्राद्ध में में तर्पण तर्पण का का एक एक अपना अपना महत्व महत्व होता होता है, है, लेकिन लेकिन तर्पण तर्पण करते करते समय समय हम हम कुछ कुछ गलतियां गलतियां भूलवश भूलवश कर कर बैठते बैठते हैं। हैं। दोस्तों दोस्तों तर्पण तर्पण पितृपक्ष पितृपक्ष के के महीने महीने में में जो जो किया किया जाता जाता है है उसका उसका एक एक अपना अपना महत्व महत्व होता होता है। है। ऐसा ऐसा माना माना जाता जाता है है कि कि तर्पण तर्पण करने करने से से इंसान इंसान पितृदोष पितृदोष से से मुक्त मुक्त होता होता है। है। पितृपक्ष पितृपक्ष के के दौरान दौरान तर्पण तर्पण करने करने से से मृत मृत परिजनों परिजनों की की आत्मा आत्मा को को शांति शांति प्राप्त प्राप्त होती होती है। है। पितरों पितरों को को जल जल देने देने की की विधि विधि को को ही ही दोस्तों दोस्तों तर्पण तर्पण कहा कहा जाता जाता है, है, लेकिन लेकिन हम हम जानते जानते नहीं नहीं है है कि कि सही सही तरह तरह से से तर्पण तर्पण कैसे कैसे करते करते हैं। हैं। तो तो आइए आइए जानते जानते हैं हैं दोस्तों दोस्तों सही सही तरीके तरीके से से आप आप तर्पण तर्पण कैसे कैसे करें। करें। दो दो पीतल पीतल या या स्टील स्टील के के बर्तन बर्तन ले ले लीजिए लीजिए दोस्तों, दोस्तों, एक एक में में पानी पानी भरिए भरिए और और उसमें उसमें काला काला तिल तिल और और दूध दूध मिला मिला दीजिए। दीजिए। इसके इसके बाद बाद आप आप दोनों दोनों हथेलियों हथेलियों की की अंजुली अंजुली बनाए बनाए और और पूस पूस लेकर लेकर अपने अपने पूर्वज पूर्वज का का नाम नाम लीजिए लीजिए और और उनका उनका ध्यान ध्यान करते करते हुए हुए अंजुली अंजुली से से पात्र पात्र के के पानी पानी को को खाली खाली वाले वाले पात्र पात्र में में अंगूठे अंगूठे के के माध्यम माध्यम से से डालिए। डालिए। ऐसा ऐसा कम कम से से कम कम 3 बार बार करिए करिए और और तर्पण तर्पण करते करते समय समय दोस्तों दोस्तों तस्मै तस्मै स्वधा स्वधा नमः नमः तस्मै तस्मै स्वधा स्वधा नमः। नमः। जिनके जिनके नाम नाम पर पर कर कर रहे रहे हैं हैं उनका उनका नाम नाम और और गोत्र गोत्र का का नाम नाम पहले पहले ले 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 और और फिर फिर मंत्र मंत्र का का जाप जाप करें। करें। तर्पण तर्पण करते करते समय समय अंगूठे अंगूठे से से छोड़ते छोड़ते हैं हैं जल जल दोस्तों। दोस्तों। तर्पण तर्पण में में पिंडों पिंडों पर पर अंगूठे अंगूठे के के माध्यम माध्यम से से जल जल दी दी जाती जाती है। है। अंगूठे अंगूठे से से पितरों पितरों को को जल जल देने देने से से उनकी उनकी आत्मा आत्मा को को शांति शांति मिलती मिलती है। है। इसके इसके पीछे पीछे का का कारण कारण हस्तरेखा हस्तरेखा से से जुड़ा जुड़ा है। है। दोस्तों दोस्तों पंजे पंजे के के ही ही हिस्से हिस्से पर पर अंगूठा अंगूठा होता होता है, है, वह वह हिस्सा हिस्सा पितृतीर्थ पितृतीर्थ कहलाता कहलाता है। है। इसी इसी प्रकार प्रकार अंगूठे अंगूठे से से चढ़ाया चढ़ाया जल जल पितृतीर्थ पितृतीर्थ से से होता होता हुआ हुआ पिंडों पिंडों तक तक जाता जाता है है और और पितृतीर्थ पितृतीर्थ से से होता होता हुआ हुआ जल जल जब जब अंगूठे अंगूठे के के माध्यम माध्यम से से पिंडों पिंडों तक तक पहुंचता पहुंचता है है तो तो पितरों पितरों की की पूर्ण पूर्ण तृप्ति तृप्ति का का अनुभव अनुभव होता होता है। है। यही यही कारण कारण अंगूठे अंगूठे से से जल जल देने देने की की परंपरा परंपरा श्राद्ध श्राद्ध में में बताई बताई जाती जाती है। है। तो तो दोस्तों दोस्तों आज आज के के इस इस विशेषांक विशेषांक में में आपने आपने जाना जाना तर्पण तर्पण करते करते समय समय कौन कौन सा सा मंत्र मंत्र और और कैसी कैसी सावधानियां सावधानियां बरतनी बरतनी चाहिए चाहिए तथा तथा अंगूठे अंगूठे से से ही ही तर्पण तर्पण में में जल जल क्यों क्यों देते देते हैं। हैं। उम्मीद उम्मीद है है आज आज की की ये ये जानकारी जानकारी आपको आपको पसंद पसंद आई आई होगी। होगी तो तो चैनल चैनल को को एक एक लाइक, लाइक, शेयर शेयर और और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। मिलते मिलते हैं हैं फिर फिर से से एक एक नए नए वीडियो वीडियो के के साथ। साथ तब तब तक तक के के लिए लिए धन्यवाद। धन्यवाद।